तो यार हमारी एंड्रॉइड की यूआई सीरीज में आज है सेकंड डे, सो आज हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट है बट हेल्पफुल फॉर एवरी इंजीनियर जो कि अपने प्रोजेक्ट सबमिशन में एंड्रॉइड को प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहता है अपने स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, या कोई भी अगर आप एक फॉर्म बनाना चाहते हो, लॉगिन पेज बनाना चाहते हो, उसके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आप कैसे कोई भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो, या कैसे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो वन स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन पर, कैसे डेटा शिफ्ट कर सकते हो, ओके, बटन क्लिक कैसे काम करता है, कैसे आप मल्टीपल इनपुट बॉक्स बना सकते हो, ठीक है। सो यहाँ देखते हो रजिस्टर का पेज आ गया एक, ठीक है, एक लॉगिन का पेज है कंप्लीट, ठीक। तो इसमें भी इंडिकेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो, अभी के लिए हम पूरा फॉर्म बनाएंगे कैसे ये फॉर्म वर्क करता है, आप कैसे लेआउट हॉरिजॉन्टल कर सकते हो मल्टीपल चीजों के लिए, ठीक है, कैसे आप पासवर्ड की फील्ड बना सकते हो जो हिडन है, कंफर्म पासवर्ड से चेक कर सकते हो, एवरीथिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट बैक करेंगे हम लॉगिन से कर सकते हैं, नेम पासवर्ड लॉगिन भी हो सकता है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, एंड बिफोर दैट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार उसको कर लेना, लाइक शेयर, वो तो यूजुअल है, ठीक है। तो चलो चलते हैं कोड के अंदर, इसको कर दो साइड। तो गाइस ये है एंड्रॉइड स्टूडियो, आप फाइल पे जाके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एंड मैं इस प्रोजेक्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गिटहब पे जाओ, सिंपल क्लोन करो एंड देन स्टार्ट करो अपने हिसाब से कस्टमाइज़। बट उससे पहले समझ लो कि कैसे काम कर रहा है और क्या स्क्रीन है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट टू फर्स्ट एक्टिविटी मेन, इसको करो बंद। अभी हम यूआई की बात करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो कि इसको अंदर स्टोरी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने रिलेटिव लेआउट लिया, रिलेटिव लेआउट की पूरी सीरीज है गाइस, प्लीज कमेंट करो मुझे, जिसमें रिलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट और कंस्ट्रेंट, काफी सारे लेआउट एक बार में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, लेआउट इन वन वीडियो। तो देख सकते हो आई हैव क्रिएटेड अ फ्रेम हियर, ठीक है, ये फ्रेम लेआउट है जिसके अंदर पूरा कंप्लीट आ रहा है, एंड देन यहाँ पे इमेज आ रही है। ये बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है कि आप कैसे बैकग्राउंड सेट करते हो और उसके ऊपर एलिमेंट सेट करते हो, ठीक है। आप देख सकते हो ये मैंने फ्रेम बनाया एंड उसके नीचे एलिमेंट्स आ गया, ठीक है। तो फ्रेम से मैंने पूरा बैकग्राउंड सेट कर दिया, एज इट इज क्या होता है, अगर आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज करते हो इस तरीके से तो कभी फिट होता है, कभी अनफिट होता है, कभी आपका स्क्रीन स्ट्रेच होता है तो वो बिगड़ जाता है उसके लिए, ठीक है। देन देयर इज अ टेक्स्ट व्यू, आप टेक्स्ट व्यू देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स दिए हैं टेक्स्ट व्यू को, ठीक है, एंड शैडो वगैरह दिए, शैडो कलर, शैडो रेडियस, ये भी आप देखो काफी अच्छा लगता है। एंड अभी तो मैंने स्टार की इमेज ऐड करी है विद मैचिंग विद दिस कलर, ठीक है, ये इमेज आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद एक इमेज जो कि एक रॉकेट की इमेज है, ज्वाइन करने के लिए आप कुछ भी लगा सकते हो, कॉलेज का इमेज लगा सकते हो, लोगो लगा सकते हो, ठीक है। एंड गाइस प्लीज लेट मी नो कितने लोग बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस या किसी भी ब्रांच से, इन कमेंट सेक्शन, ओके, इंजीनियर्स थम्स अप, ओके। देन ये बटन है, क्योंकि देखिए मैं क्या करता हूँ ना, कोर एलिमेंट यूज करता हूँ, जैसे कोर एलिमेंट को ही मॉडिफाई कर सको रादर देन एडिंग जार फाइल्स और लाइब्रेरी अभी, ठीक है, कर सकते हो, इजी, अच्छा है, बट फिर भी कस्टमाइजेशन यू नीड टू नो कि टेक्स्ट का इसे टेक्स्ट ऑल कैप्स फॉल्स है, टेक्स्ट कलर कैसे देते हैं, स्टाइल कैसे देते हैं, बैकग्राउंड कैसे देते हैं, एंड शेडो कैसे देते हैं, हर किसी के लिए बार बार अपना लाइब्रेरी ऐड करोगे। देन मैंने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू और बनाया जिसमें एक स्ट्रिंग एडेड है, स्ट्रिंग कस्टमाइज़ वाला, आप देख सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर कस्टमाइज़ कांस्टेंट ऐड किए, कांस्टेंट ऐड किया बहुत यूजफुल है। देन सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू अलाइन पैरेंट बॉटम, रिलेटिव लेआउट के अंदर ही आप यूज कर सकते हो, ओके। देन टेक्स्ट साइज 16 एसपी, ओके, एसपी एंड पिक्सल डीबी यूज करो एज आई टोल्ड इन एवरी वीडियो, ठीक है। सो चलते हैं मैं एक्टिविटी, मैं एक्टिविटी में क्या बात हो रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे दो एलिमेंट बनाए हैं, एक बटन, एक टेक्स्ट व्यू, बिकॉज मुझे टेक्स्ट व्यू भी क्लिक चाहिए, टेक्स्ट व्यू भी क्लिक चाहिए एंड बटन भी क्लिक चाहिए। तो सिंपल ऑन अ बटन आई हैव स्टार्टेड इंटेंट मैन एक्टिविटी 2, ठीक है, एंड लॉगिन बटन पे मैंने मैन एक्टिविटी 3 स्टार्ट किया, नाम दे सकते हो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पहले चलते हैं रजिस्टर के फॉर्म पे, उससे अच्छा आइडिया हो जाएगा, प्लीज को इंपोर्ट कर लो, ठीक है। तो रजिस्टर पे चलते हैं, अपन किस चलेंगे जॉइनर्स, ओके, पहले रजिस्टर समझ लो, इजी है, मतलब लॉगिन इजी है बट रजिस्टर इजी है, ठीक है। तो मैं इसको करता हूं क्लोज, स्प्लिट पे चलते हैं, ठीक है। सो देख सकते हो यहाँ पे मैंने टूल बार एज अ टेक्स्ट और इमेज के साथ ऐड कर दिया, जिसमें एक है एरो एंड एक है रजिस्टर बटन, ठीक है, इसके क्लिक पे आप पीछे भी जा सकते हो, आगे जा सकते हो, ठीक है, ये बैक लिए बनाया मैंने। तो इसमें देख सकते हो मैंने एक ही एलिमेंट के अंदर एक इमेज ऐड करके लेफ्ट कंपोनेंट की तरह ड्रॉएबल लेफ्ट कॉम्पैक्ट यहाँ पे मैंने इमेज ऐड कर दिया, ठीक है, एंड आप इजीली इस पूरे टेक्स्ट को यूज कर रहे हो इमेज विद टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्टर टेक्स्ट लिखा है, ये कस्टमाइजेबल है और कॉन्स्टेंट को हमेशा बहुत ईजी रहता है पूरे प्रोजेक्ट में चेंज करने के लिए, ठीक है। एंड ये स्क्रॉल व्यू है, बिकॉज हमारा स्क्रीन साइज छोटा हुआ था, हमारा फॉर्म नहीं दिखेगा, तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल व्यू ऐड किया, फ्रेम व्यू तो एज इट इज, ठीक है। टेक्स्ट बोल्ड, उसके बाद है टेक्स्ट इनपुट फील्ड, तो आप देख सकते हो कि ये नॉर्मल एडिटेशन है, टेक्स्ट इनपुट लेआउट है, क्यों, क्योंकि जब मैं इस लेआउट पर क्लिक करता हूँ ना, तो आप देख सकते हो नेम एज अ लेबल ऊपर चला जाता है प्लेस होल्डर की तरह, पहले मैं वीडियो देखी थी उसमें क्या था, प्लेस होल्डर हट जाता है, बट यहाँ पे मैं लेबल चाहिए, लेबल क्यों चाहिए, क्योंकि देखो जो बड़े फॉर्म होते हैं ना, मान लीजिए 20 फील्ड्स हैं, 8 फील्ड्स हैं, मैंने कुछ फील्ड्स ऐड करना स्टार्ट किया, ठीक, अब मुझे क्या है, जैसे मैंने यहाँ नेम दिया, अब अगर ये प्लेस होल्डर होता है, ये नेम नहीं होता है, तो मुझे किसी तरह नेम डालना, अपना नाम डालना है, फादर का नेम डालना, दैट्स व्हाई आई यूज लेबल एंड एडिट टेक्स्ट बोथ, ठीक है, ये थोड़ा नोटिस करने वाला याद रखना, क्योंकि कोई पूरा प्रोजेक्ट बना दो बाद में कहेगा कोई बंदा अरे यार ये ऐसा नहीं हो रहा है, तो देन क्या होगा, आपको पूरा पूरा रीवर्क करना पड़ेगा, एंड गाइस रीवर्क से बचो जितना हो सके, दैट्स व्हाई क्रिएट अ कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि उसमें एक जगह चेंज करने से समझ जाता है जहां भी आप यूज कर रहे हो। तो देख सकते हो ये मैंने एक लेआउट इनपुट यूज किया है, ओके, इसके अंदर हिंट है, बहुत सिंपल टेक्स्ट इनपुट इसके अंदर आता है, और जो आपका हिंट टेक्स्ट है वो टेक्स्ट इनपुट लेआउट अपने अंदर कस्टमाइज करके ऑटोमेटिक से ऊपर ले जाता है, ठीक है। देन ईमेल, एंड मैंने यहाँ पे हिंट दिया ईमेल, एंड इनपुट टाइप में टेक्स्ट ईमेल एड्रेस दिया, इसे क्या होता है कि जो आपका नॉर्मल है ना, ये मैंने नॉर्मल लिया, उसमें कुछ नहीं, इस कीबोर्ड को देख लो और इसको देख लो, इसमें एड्रेस यहाँ पे आता है, इसमें नहीं है, इसमें कॉमन है, ठीक है, इसमें एडिट आता है, ठीक है। तो ये भी चीज यूजर के लिए वेरी हेल्पफुल रहती है, ठीक है। इनपुट टाइप याद रखना, फोन वगैरह बहुत सी चीज होती है। अब तो यहाँ पे मैंने एडिट यूज किया, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे ईयर पिक का यूज करना चाहिए था, जिसमें एक स्लाइड करके ईयर पिक कर सकते, बट वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसमें अभी दिया, तो अगर आपको करना है तो एक तो आप रेफर कर सकते हो स्पिनर को, या फिर एक वीडियो में ऑलरेडी एड की हुई है, कैसे हम डेट पिक कर सकते हो, आप वो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। देन देयर इज अ ब्रांच, ब्रांच ऑफ द स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, तो अगर आपको ऐसा लगता है यहाँ पे आप स्पिनर ऐड कर सकते हो, एंड आई सजेस्ट यू कि आप यहाँ पे स्पिनर ही ऐड करो, जो बहुत बहुत यूजफुल है, ग्रुप लाइक आपका सेक्शन ए बी सी डी जो भी आप ऐड करना है, ठीक है। देन पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, और भी फील्ड्स आप ऐड कर सकते हो, वो डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। देन उसके बाद यूज साइन अप का बटन, ठीक है, तो इसकी फंक्शनलिटी देखते हैं कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने केवल बैक बटन ऐड किया है, अदर देन कुछ नहीं किया है। अगर आपको इसका एपीआई कॉल चाहिए रेट्रोफिट से या किसी भी लाइब्रेरी से, तो वॉली लाइब्रेरी है, तो आप मुझे कुछ नहीं करना, आपको सिंपल कमेंट करना है, कमेंट का काउंट, जैसे मेरे पास जैसे लाइक का काउंट मेरे पास 50 से ऊपर जाता है, ज्यादा 50 ओनली 50, ठीक है, उससे ऊपर जाता है, आई डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो कि हाउ टू कनेक्ट दिस ऐप विद एपीआई, एंड एपीआई बनाते कैसे नोड जेएस के अंदर या पीएचपी के अंदर, वो आपका सजेशन है, अगर नोड जेएस के बोर्ड लेंगे तो मैं नोड जेएस पे एक एपीआई हैंडल बनाऊंगा, जिससे आप इसको हैंडल पूरा कंप्लीट चेक कर सकते हो, ओके। साइन अप कंप्लीट हुआ हमारा, देन वी हैव अ पेज लॉगिन, सो यार इजी लॉगिन समझते होगे, समझने की नीड नहीं है, तो लॉगिन आपको छोटा, आपको कुछ समझना कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं काम कर रहा है, क्योंकि वीडियो लेंथ ज्यादा हो जाएगी और फिर समझ में आएगा नहीं ज्यादा। सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, प्लीज रेफर करो उसको एंड खुद से क्रिएट करो, इट इज नॉट अबाउट टू गेट द कोड एंड स्टार्ट कोडिंग, ठीक है, ये मैं एक बार देखता हूं क्या ये इंपॉर्टेंट पड़ेगा, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट टू गेट द कोड एंड स्टार्ट कोडिंग, इट इज अबाउट अंडरस्टैंड द कोड, बिकॉज नेक्स्ट टाइम आप खुद से करोगे ना, जब कुछ और प्रोजेक्ट में यूज करना हो तो वहां पे इशू आएगा, ओके। सो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लियर, अगर आपको जावा का कोड पढ़ना है तो आप जावा का कोड यहां से पढ़ सकते हो, और अगर आपको और भी चीजें जावा एंड्रॉइड रिलेटेड सीखनी है, ठीक है, तो आप दो बार दिखाई यार ये चैनल, अच्छा हां भूल गया था, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ओके। तो देख सकते हो रिएक्ट की प्लेलिस्ट एंड ये तो इंटरव्यू क्वेश्चंस है, ये फ्लटर की प्लेलिस्ट, जिसमें आप हाइब्रिड बना सकते हो, हाँ, दिस इज एंड्रॉइड स्टूडियो प्लेलिस्ट, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट में मैंने काफी वीडियोस ऐड करी हैं, पासिंग डेटा, फ्रेगमेंट,
Target 50 likes for this video only. Okay, bye.